लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बुधवार को आईजी और पुलिस अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ बॉर्डर आसनडीही शीश टोला का जायजा लेने पहुंची। बॉर्डर पर तैनात पुलिस जवानों को आईजी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी पीयूष श्रीवास्तव तथा पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव बुधवार को छत्तीसगढ़ बॉर्डर आसनडीही और शीश टोला का जायजा लिया। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आगमन को देखते हुए दोनों राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए। आईजी ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति यूपी में नहीं आ सकता है और ना ही यूपी का कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि पैदल आने जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी रखें ताकि कोई चोरी चुपके बॉर्डर पार ना कर सके। पुलिस महानिरीक्षक श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तथा जनता की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, सभी लोगों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट रहें, लोग बगैर किसी काम के घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि भारत में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस को मात देने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके लिए यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर आसनडीही और शीश टोला को सील कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सीमाओं पर सख्ती रखे, पैदल आने जाने वाले रास्तों पर विशेष नजर रखे। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी दुग्धी संजय कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अविनाश चंद्र सिन्हा मौजूद रहे। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.